नमस्कार दोस्तों, भटनेर IAS यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। मैं नविंदर संधू आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इतिहास, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है दक्षिण भारत का इतिहास चल रहा है, जिसमें हम देखेंगे विजयनगर साम्राज्य। और विजयनगर साम्राज्य की जो हम पोजीशन है देखेंगे, स्थिति है कहाँ पर है, इस प्रकार से हम देखेंगे। यह भारत का मैप है, यह भारत की स्थिति है। तो यहाँ पर हम देखेंगे बहमनी है, और यहाँ पर कौन सा राज्य है, विजयनगर है। कौन सा है, विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य है। यहाँ पर दिल्ली है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है, हमने कल पढ़ा था, विजयनगर साम्राज्य है जो, इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है 1336 ईस्वी में, जब दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था। इनके समय क्या हुआ, हरिहर व बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी जाती है, और दिल्ली सल्तनत से हमेशा के लिए अलग हो जाता है विजयनगर साम्राज्य। कुछ भी कह सकते हैं, इनकी आर्थिक या राजनीतिक स्थिति है जो कमज़ोर पड़ गई, अस्थिर पड़ गई, जिसकी वजह से विजयनगर साम्राज्य अलग से अपना को स्थापित कर लेता है। तो फिर यहाँ पर हम देखेंगे, हमने जो शासक पढ़े हैं, कुछ शासक थे विजयनगर साम्राज्य पर। पहला जो प्रथम शासक थे हरिहर व बुक्का रहते हैं, हरिहर व बुक्का के द्वारा शासन किया जाता है। देवराय प्रथम आता है, उसके बाद देखेंगे हम देवराय द्वितीय आता है, विरूपाक्ष आता है, फिर हम देखेंगे तल्लो वंश का कृष्ण देवराय है, कृष्ण देवराय हमने कल पढ़ा है। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं अगला शासक, वो हम देखेंगे अच्युत देवराय, अच्युत देवराय, जिसका शासनकाल है 1529 से लेकर के 1542 ईस्वी। अच्युत देवराय है जो, इसका शासनकाल है कब से कब तक रहेगा, 1529 से लेकर के 1542 ईस्वी तक रहेगा। हमने देखा 1530 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, किसकी, कृष्ण देवराय की। 1530 ईस्वी में कब होती है कृष्ण देवराय की मृत्यु, 1530 ईस्वी में। इसी 1530 ईस्वी में हम देखेंगे बाबर की भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है, और 1530 में ही किसकी, कृष्ण देवराय की मृत्यु हो जाती है। विजयनगर का शासक है जो कृष्ण देवराय, इसकी भी मृत्यु कब होती है, 1530 में होती है। लेकिन देवराय जो है, अच्युत देवराय है, इसका जो शासनकाल है 1529 से शुरू हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर है, इतिहास में हम देखेंगे कि अच्युत देवराय अपने पिता कृष्ण देवराय के समय ही शासक नियुक्त कर दिया गया था। यानी कि हम देखेंगे यहाँ पर कृष्ण देवराय के समय ही इसे शासक नियुक्त कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, शासक नियुक्त कर दिया गया था। अब शासन काल इसका रहता है 1542 ईस्वी तक। अब अच्युत देवराय जो है, यह क्या था, एक कठपुतली शासक था, कठपुतली शासक रहता है। इसकी जो वास्तविक सत्ता है, हम देखेंगे जो वास्तविक सत्ता की जो बागडोर है, वो किसके हाथ में रहती है, तिरुमाल नामक, तिरुमाल नामक दो भाई थे, उनके हाथ में इसके समय की है जो सत्ता रहती है। उसके बाद हम देखेंगे महत्वपूर्ण विशेषता रहती है, इसके समय एक विदेशी यात्री आता है जिसका नाम था नूनिज। नूनिज यह क्या था, एक विदेशी यात्री था। कहाँ से आया था, पुर्तगाल से, यानी पुर्तगाली यात्री नूनिज किसके समय आया था, अच्युत देवराय के समय विजयनगर आया था। अच्युत देवराय के समय क्या, विजयनगर की यात्रा पर आता है नूनिज, पुर्तगाली यात्री। अभी हमने दोस्तों पढ़ा है किसे, अच्युत देवराय को, जिसका शासनकाल रहता है 1529 से लेकर के कब तक, 1542 ईस्वी तक। 1530 में क्या होता है, कृष्ण देवराय की मृत्यु हो जाती है, लेकिन अपनी मृत्यु से पहले
वह अच्युत देवराय को गद्दी सौंप देता है, उसको वहाँ का शासक मान लेता है, शासक नियुक्त कर लेता है। 1530 में ही इसकी मृत्यु हुई। 1530 में ही हम देखेंगे बाबर की मृत्यु भी होती है। उत्तर भारत का इतिहास देखें तो एक कठपुतली शासक रहता है अच्युत देवराय, इतना शक्तिशाली नहीं था। इसके समय क्या हुआ, जो वास्तविक सत्ता है वो किसके हाथ में रही, तिरुमाल नामक दो भाई हैं उनके हाथ में वास्तविक सत्ता रहती है। और महत्वपूर्ण चीज़ है या क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, जो नूनिज है, पुर्तगाली यात्री नूनिज किस विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में आया था, तो अच्युत देवराय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा करता है नूनिज। और कहाँ का निवासी था, पुर्तगाल का निवासी था। पीछे भी हम इन यात्रियों के बारे में पढ़ चुके हैं, निवासी कहाँ के थे, किसके दरबार में आए थे और कौन आए थे। इसके बाद हम अगला शासक पढ़ेंगे, सदाशिव राय। जो सदाशिव राय है 1542 से लेकर के 1570 ईस्वी तक शासन करता है। अब 1542 से एक और ऐतिहासिक घटना जुड़ी है, यहाँ पर होता है क्या है हम देखेंगे। 15 अक्टूबर 1542 को क्या होता है, अकबर का जन्म भी होता है। किसका जन्म होता है, अकबर बादशाह, जो मुगल बादशाह है उसका जन्म भी होता है। कहाँ होता है, अमरकोट के राजा वीरसाल के यहाँ होता है। ठीक है, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म होता है, जो इस सन से जुड़ी हुई एक हम देखेंगे ऐतिहासिक जानकारी है। तो सदाशिव राय है जो 1542 में सत्ता को संभालता है। और हम यहाँ पर हम देखेंगे तुल्लु वंश का, जो तुल्लु वंश है विजयनगर का, इसका अंतिम शासक रहता है, अंतिम शासक रहता है सदाशिव राय। और यहाँ पर हम देखेंगे जो वास्तविक सत्ता है वो किसके हाथ में थी, वास्तविक सत्ता, जो वास्तविक शासन की शक्ति है, वास्तविक शक्ति है वो किसके हाथ में थी, एक अरिविडु, अरिविडु वंश का व्यक्ति था, जिसका नाम क्या था, राम राय। क्या नाम था, राम राय, राम राय के हाथ में थी। और राम राय क्या था, एक मंत्री पद पर नियुक्त एक व्यक्ति था, जिसके पास एक मंत्री पद था, उच्च पद था। फिर यहाँ पर हम देखेंगे सदाशिव राय के समय एक महत्वपूर्ण घटना है, यहाँ से प्रश्न बनता है। बहमनी राज्य था, हमने पहले भी देखा है, जैसे हमने देखा यह भारत की स्थिति है इस प्रकार से, दक्षिण भारत की स्थिति देखें तो यहाँ पर बहमनी राज्य है। कौन सा राज्य है, बहमनी राज्य है, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा है, विजयनगर साम्राज्य है। इस क्षेत्र में हम देखें तो कौन सा है, विजयनगर साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य है। दो साम्राज्य हैं और इनमें दोनों में तकरार रहती है। अब बहमनी साम्राज्य क्या करता है, अब हम देखेंगे जो बहमनी साम्राज्य है यह क्या करता है, विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध एक संघ का निर्माण करता है, जिसमें चार राज्य होते हैं, अहमदनगर, बीजापुर, बीदर और गोलकुंडा। किसके विरुद्ध, विजयनगर के विरुद्ध। किसके साथ कौन बनाता है, बहमनी राज्य बनाता है। बहमनी विजयनगर के विरुद्ध, विजयनगर के हम देखेंगे विरुद्ध एक संघ का निर्माण करता है। क्या करता है, एक संघ का निर्माण करता है। और इस संघ में हम देखेंगे ये संघ है जो बहमनी द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है, बहमनी द्वारा निर्मित है। और इस संघ में चार राज्य थे, कितने राज्य थे, चार राज्य थे। चार राज्यों में हम देखेंगे कौन कौन से राज्य है इसमें शामिल है। यहाँ से प्रश्न उठता है कि विजयनगर साम्राज्य है, इसके विरुद्ध जो बहमनी ने साम्राज्य संघ निर्मित किया, इसमें कौन कौन से राज्य शामिल थे इस संघ में। तो इस संघ में हम देखेंगे, एक तो हम देखेंगे यहाँ पर अहमदनगर, कौन सा है, अहमदनगर। दूसरा हम देखेंगे बीजापुर, तीसरा है बीदर
और चौथा कौन सा है हम यहां पर देखेंगे, गोलकुंडा। कौन सा है? गोलकुंडा। गोलकुंडा इसमें शामिल है। कितने हो गए? चार हो गए। अहमदनगर, बीजापुर, तीसरा बीदर और चौथा गोलकुंडा। यहाँ पर याद रखने योग्य एक बात है कि इसमें बरार जो है, कौन सा बरार जो है इसमें शामिल नहीं था। दक्षिण भारत के ये जो चार पांच राज्य हैं इनमें जो बरार है वो क्या था, इनमें शामिल नहीं था। इसका क्या कारण था? बरार जो है इसके गोलकुंडा से क्या थी, पारस्परिक शत्रुता थी, इनकी आपस में पहले से नहीं बनती थी, जिस कारण बीजापुर, अहमदनगर, बीदर और गोलकुंडा का ये जो संघ बनाया बहमनी में, इसमें यह शामिल नहीं हुआ। गोलकुंडा से इसकी नहीं जस्ती थी या इसकी शत्रुता थी, बरार इस संघ में शामिल नहीं था। तो यहाँ पर होता क्या है, बहमनी के इस संघ द्वारा युद्ध छेड़ दिया जाता है। कब? 23 जनवरी 1565 में। कौन सा युद्ध होता है? तालीकोट का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? तालीकोट का युद्ध होता है, जिसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम राक्षस टंगड़ी का युद्ध भी कहेंगे और बनी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बनी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। किस किस के मध्य होता है? बहमनी के द्वारा बना हुआ एक संघ और दूसरा विजयनगर साम्राज्य। इसमें हम देखेंगे जो विजयनगर साम्राज्य जो है, इसका शासक कौन है? तो शासक हम ऊपर पढ़ ही रहे हैं, शासक था सदाशिव राय। शासक कौन है? सदाशिव राय। और नेतृत्व कौन कर रहा है, सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? राम राय, जो अरविडू वंश का है, राम राय है जो नेतृत्व कर रहा है इस युद्ध में। जब हम यहाँ पर हम देखेंगे युद्ध होता है, तो इस युद्ध में क्या होता है, विजयनगर बुरी तरह परास्त होता है। जो विजयनगर है वो क्या है, बुरी तरह है इसमें परास्त होता है, परास्त हो जाता है। ये जो राम राय है, राम राय की हत्या कर दी जाती है, राम राय की इस युद्ध में हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? हुसैन शाह के द्वारा, नियाज हुसैन शाह नामक एक सैनिक है, उसके द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है राम राय की। तो इस युद्ध का जो प्रत्यक्ष दर्शी व्यक्ति रहता है, जिसके द्वारा आंखों देखा वर्णन किया जाता है, वो है रॉबर्ट सेवेल। कौन था? रॉबर्ट सेवेल जो है इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी रहता है, जिसने आंखों देखा इसका हाल का वर्णन किया है। प्रत्यक्षदर्शी कौन था? इसके द्वारा एक बुक की रचना की जाती है, जिसका नाम था ए फॉरगॉटन एम्पायर। क्या था? ए फॉरगॉटन एम्पायर। किसके द्वारा लिखी गई है पुस्तक? रॉबर्ट सेवेल के द्वारा, जिसमें राक्षस तंगड़ी का युद्ध है, बनी हट्टी का युद्ध है या तालीकोट का युद्ध है, जो जिसका आंखों देखा वर्णन इसमें किया गया है। इस युद्ध में होता क्या है, विजयनगर साम्राज्य का वैभव समाप्त हो जाता है। विजयनगर का जो वैभव है वो क्या है, समाप्त हो गया। और यह युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे विध्वंसक युद्धों में माना जाता है, गिना जाता है। इस पुस्तक में रॉबर्ट सेवेल जो है वो लिखते हैं कि इतिहास में कोई ऐसा सुंदर राज्य कम ही देखने को मिलेगा संसार में, जिसका इतनी क्रूरता के साथ संहार कर दिया हो, जिसे समाप्त कर दिया हो, जिसका सर्वनाश कर दिया हो। ए फॉरगॉटन एम्पायर पुस्तक में रॉबर्ट सेवेल इसके बारे में बताते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि संसार के
इतिहास में, जो संसार के इतिहास में इतने वैभवशाली नगर का जो सर्व सर्वनाश है देखने को पहली बार मिलता है, जो समाप्त कर दिया गया, पूरी तरह रौंद डाला बहमनी के इस संघ के द्वारा, तथा यहाँ की स्थापत्य कला, यहाँ की फसलें, और यहाँ को इसे बुरी तरह से लूटा गया, तोड़ा गया। 3-4 माह तक बहमनी की जो सेना है यहीं पर रही, और फिर से हम इसको एक बार और देख लेंगे ताकि आपके अच्छी तरह से याद हो जाए। सदा शिवराय का जो काल है यहीं से शुरू करेंगे हम। यहाँ पर हम देखेंगे सदा शिवराय जो अगला शासक बनता है अच्युत देव राय के बाद। शासन कब से कब तक रहता है इसका? 1542 से लेकर के 1570 ईस्वी तक रहता है। तो 1542 है, इसी समय अकबर का जन्म भी होता है, 15 अक्टूबर 1542 को। तो 1542 को ही यह सत्ता पर बैठता है। ये दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं, वो उत्तर भारत की बात है अकबर की। तो जब इसका यहाँ पर हम देखेंगे सदा शिवराय है जो तुल्लु वंश है। यहाँ पर अंतिम शासक रहता है तुल्लु वंश का, कौन? सदा शिवराय। और इसकी जो वास्तविक सत्ता है, वास्तविक शक्ति है शासन की, वो किसके हाथ में रहती है? एक राम राय नामक व्यक्ति रहता है आर्वेडु वंश का, जो इस समय तुल्लु वंश के विजयनगर साम्राज्य में क्या था, एक मंत्री पद पर कार्यरत था। तो इस समय क्या होता है, बहमनी का साम्राज्य है दक्षिण भारत में विजयनगर के निकट। इनकी शुरुआत से ही आपस में संघर्ष रहता है अपनी सीमाओं को लेकर के, तो इनमें युद्ध की स्थितियां हमेशा बनी रहती हैं। तो बहमनी साम्राज्य है विजयनगर के विरुद्ध क्या करता है, एक संघ का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? बहमनी विजयनगर के विरुद्ध एक संघ का निर्माण करता है, जिसमें 4 राज्य शामिल होते हैं, अहमदनगर, बीजापुर, बीदर और गोलकुंडा, जिसका कोड है यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा रहेगा, ABBG, यानी कि अहमदनगर, बीजापुर, बीदर और गोलकुंडा, ये 4 राज्य शामिल थे इसमें। लेकिन यहाँ पर हम बात करें तो एक भी इसमें शामिल नहीं था, बरार इसमें शामिल नहीं था, क्योंकि बरार की पारस्परिक शत्रुता चलती थी गोलकुंडा से, जिस वजह से वो इसमें संघ में शामिल नहीं होता। तो इस संघ के द्वारा आक्रमण किया जाता है विजयनगर साम्राज्य पर, और यह आक्रमण कब होता है? 23 जनवरी 1565 ईस्वी में। कौन सा युद्ध होता है? तालीकोट का युद्ध। कौन सा युद्ध है? तालीकोट का युद्ध है। तालीकोट का युद्ध इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इतिहास में क्या रखता है? अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तालीकोट के युद्ध को राक्षस तंगड़ी का युद्ध, बनी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। होता किसमें है? विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में। तो विजयनगर साम्राज्य है इस युद्ध के समय, तालीकोट के युद्ध के समय यहाँ का शासक कौन रहता है? सदा शिवराय रहता है, और सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? राम राय द्वारा किया गया, और राम राय इस युद्ध को लड़ता हुआ मारा जाता है, जिसकी हत्या किसके द्वारा की जाती है? हुसैन नियाज शाह इस युद्ध में उन्हें मौत के घाट उतार देता है, और इसी के साथ विजयनगर की पराजय होती है। विजयनगर इस युद्ध में क्या होता है? परास्त हो जाता है, बहमनी विजयी होता है, और विजयनगर का जो वैभव है हमेशा के लिए हम समाप्त हो जाता है। और उस युद्ध का जो वर्णन है वो किसके द्वारा किया जाता है? इस युद्ध का वर्णन प्रत्यक्षदर्शी वर्णन जो आंखों देखा हाल है, किसके द्वारा लिखा गया? रॉबर्ट सेवेल के द्वारा, अपनी पुस्तक ए फॉरगॉटन एम्पायर में लिखा गया। इसमें सेवेल लिखते हैं कि संसार के इतिहास में हम देखें तो इतने वैभवशाली नगर का सर्वनाश हमें देखने को नहीं मिलता, हमें देखने को नहीं मिलता। इस प्रकार से सदा शिवराय के समय विजयनगर का वैभव समाप्त हो जाता है। इसके बाद है अगला वंश अरिविडु वंश। 1570 से लेकर के 1649 तक शासनकाल इनका रहता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अरिविडु वंश के शासक है तिरुमाल,
तिरुमाल के द्वारा क्या किया जाता है, इसकी वेनुगोंडा, वेनुगोंडा एक नई राजधानी है, नई राजधानी की स्थापना की जाती है विजयनगर के स्थान पर, विजयनगर के स्थान पर नई राजधानी की स्थापना की जाती है। और हम इसके बाद देखेंगे, इस वंश में कुछ महत्वपूर्ण नहीं है यहाँ के शासक, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ है, अरविडु वंश का अंतिम शासक देखें और विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक देखें तो उसका नाम क्या था, श्री रंग तृतीय है जो विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक हुआ, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक रहा, क्या रहा, अंतिम शासक रहता है विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन रहता है, श्री रंग तृतीय रहता है। इसके बाद हम देखेंगे विजयनगर साम्राज्य का जो प्रशासनिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, उसकी जानकारी इसमें हम लेंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन, विजयनगर साम्राज्य का जो प्रशासनिक व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे, किसकी, प्रशासनिक व्यवस्था की। यहाँ पर हम राजा की बात करें, जो विजयनगर का राजा था या शासक था उसे क्या कहा जाता था, राय कहा जाता था। और दूसरी बात, यहाँ पर संयुक्त शासन की प्रणाली भी मौजूद थी, संयुक्त शासन की जो प्रणाली है वो भी मौजूद थी। राजा को राय कहा जाता था। और दूसरी बात हम देखें, राजा को ईश्वर के समतुल्य माना जाता था, किसके समतुल्य माना जाता था, ईश्वर के, जैसा कि हम मुगल काल में पढ़ेंगे उसे उसका प्रतिनिधि माना जाता था राजा को। और यहाँ पर राजा है जो, इसे क्या कहा जाता था, ईश्वर के समतुल्य माना जाता था, समतुल्य माना जाता था। और दूसरी बात हम यहाँ पर देखेंगे, जो युवराज है, युवराज है, युवराज का जो राज्याभिषेक होता था, राज्याभिषेक होता था, उसे क्या कहा जाता था, युवराज का जो राज्याभिषेक है उसे युवराज पटाभिषेकम भी कहा जाता था, क्या कहा जाता था, युवराज पट्टा अभिषेकम, युवराज पट्टा अभिषेकम, किसे कहा गया है, युवराज के राज्याभिषेक को। और राज्य का जो प्रशासन है इसे चलाने के लिए क्या होता था, एक राजपरिषद है, महापरिषद भी होती थी, राजपरिषद भी होती थी। प्रशासन में क्या होता था, एक राजपरिषद होती थी और दूसरी होती थी मंत्री परिषद, या इसे महापरिषद भी कहा जाएगा। अब जो मंत्री परिषद है इसका प्रमुख जो होता था, इसका प्रमुख जो अधिकारी होता था उसे क्या कहा जाता था, इसे प्रधानी या महाप्रधानी भी कहा गया है, क्या कहा गया है, प्रधानी या महाप्रधानी भी कहा गया है। और मंत्री परिषद की हम देखेंगे जो सभाएं हैं, जो सभाएं हैं जिस सभागार में होती थी, जिस सभागार में होती थी उस सभागार को क्या कहा गया है, वेंकट विलास मंडल, वेंकट विलास मंडल की संज्ञा दी गई है। इसे यहाँ पर मंत्रिपरिषद की सभाएं होती थी, उस सभागार को क्या कहा गया है, वेंकट विलास मंडल। और राज्य का प्रशासन चलाने में जो मंत्रिपरिषद है, महापरिषद है, यह क्या थी, एक महत्वपूर्ण संस्था थी, महत्वपूर्ण संस्था थी। और दूसरी बात कहें हम देखें तो यहाँ पर जो शासन होता था, शासन क्या था, राजतंत्रात्मक था, शासन क्या था, राजतंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक रहता है। राज्य परिषद भी होती थी, मंत्री परिषद भी होती थी, मंत्री परिषद है जो महत्वपूर्ण संस्था थी, प्रधानी व महाप्रधानी इसका अध्यक्ष होता था, प्रमुख होता था,
सभागार उसका वैकुंठ विलास मंडल कहलाता था और यह इसकी एक महत्वपूर्ण संस्था रहती थी जो विजयनगर साम्राज्य का संचालन भी करती थी। इसके बाद हम बात करें तो दंड नायक देखेंगे। जो दंड नायक है महानवमी पर चर्चा करेंगे और दूसरा जोरी खाना, इन तीनों चीज़ों के बारे में देखेंगे। दंड नायक क्या होता था, सबसे पहले हम देखें यहाँ पर जो दंड नायक है, दंड नायक केंद्र का एक अधिकारी होता था, उच्च अधिकारी होता था, उसे क्या कहा जाता था, दंड नायक। महानवमी यहाँ का एक प्रसिद्ध राज्य उत्सव होता था जिसमें होता क्या था, पहले तो हम देखें विशेष रूप से ब्राह्मण यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन महानवमी के समय जो महत्व होता था राजा का बढ़ जाता था। राजा समय इस समय महानवमी पर पूजा अर्चना करता था और जोरी खाना जो है वह क्या था, एक टकसाल विभाग था। यहाँ पर हम देखेंगे जो दंड नायक है यह क्या होता था, केंद्र का एक उच्चाधिकारी होता था। उसके बाद है महानवमी यह क्या है, महत्वपूर्ण रहता है, महानवमी है जो यह क्या था, राज्य का प्रसिद्ध राज्योत्सव था। इस समय क्या होता था, महानवमी के दिन वो क्या होता था, राज्य समय जो राजा समय पूजा अर्चना करता था, क्या करता था, पूजा अर्चना करता था। ऐसे तो हम देखें यहाँ पर पूजा अर्चना का जो काम है वो कौन करता था, पूजा अर्चना का काम ब्राह्मण करते थे, लेकिन इस विशेष अवसर पर हम देखेंगे जो यह विशेष अवसर है इस पर महानवमी के समय राजा समय पूजा अर्चना करता था। फिर उसके बाद हमने एक नाम सुना है, देखा है, उसका नाम क्या है, जोरी खाना क्या था, यह एक टकसाल विभाग था। क्या था, टकसाल विभाग रहता है विजयनगर साम्राज्य का। उसके बाद हम देखें प्रांतीय शासन को देखेंगे, किसे देखेंगे, जो प्रांतीय शासन है। प्रांतीय शासन किस प्रकार से था, सबसे पहले तो हम देखेंगे इसके छह भाग थे, छह भागों में बांटा गया है। सबसे पहले तो हम देखेंगे राज्य है, उसके बाद हम देखेंगे कमिश्नरी, उसके बाद हम देखेंगे आता है जिला आता है, उसके बाद हम देखेंगे तहसील या क्या है परगना, तहसील या क्या था परगना, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे 50 गांवों का समूह रहता है, 50 गांवों का समूह रहता है। फिर नीचे हम देखेंगे कुछ गांव रहते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे जो राज्य है या प्रांत है, इन्हें क्या कहा जाता था, प्रांत कहा जाता था। इसके बाद हम देखेंगे जो कमिश्नरी है उसे मंडल कहा जाता था, ठीक है, प्रांत मंडल। उसके बाद जो जिला है इसे कोटम या वलनाडू कहा गया है, क्या कहा गया है, वलनाडू कहा गया है। उसके बाद तहसील जो परगना है इसे क्या कहा गया है, नाडू की संज्ञा दी गई है। लेकिन उसके बाद देखेंगे 50 गांवों का जो समूह है उसे क्या कहा गया है, मेला ग्राम कहा गया है। इसके बाद है हम देखेंगे स्थानीय या सीमा कहा जाता था, यहाँ पर जो कुछ गांव होते थे। इसे एक स्ट्रक्चर में देखें तो हम देखेंगे इस प्रकार से बनेगा, ये स्थल एवं सीमा, ये क्या था, एक गांवों का समूह था, कई गांवों का जो समूह है उसे स्थल व सीमा कहा गया। उसके बाद हम देखेंगे एक उर शब्द हमें देखने को मिलता है शासन में, इनके प्रशासन में। उर क्या था, यहाँ पर
प्रशासन की, इस विजयनगर साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, और क्या था? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, सबसे जो छोटी इकाई है, ठीक है। और यहाँ पर हम स्ट्रक्चर में देखें, एक डायग्राम में देखें तो प्रांत, मंडल, कोटम, वलनाडु, नाडु, मेलाग्राम, स्थल, सीमा, सबसे छोटी इकाई, इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ये केंद्र है, सबसे छोटी इकाई रहेगी यहाँ पर। उसके बाद सबसे पहले तो क्या रहेगा, राज्य रहेगा या रहेगा प्रांत, यहाँ पर हम देखेंगे प्रांत है। उसके बाद देखेंगे प्रांत के अंदर क्या था, मंडल, प्रांत के अंदर क्या रहेगा, मंडल रहेगा। और मंडल के अंतर्गत क्या रहेगा, कोट्टम या वलनाडु, क्या रहेगा, कोट्टम या वलनाडु, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो यहां पर रहेगा कोट्टम या वलनाडु के अंदर क्या रहेगा, नाडु, जो तहसील या परगना थी। उसके बाद हम देखें नाडु के अंतर्गत क्या रहेगा, मेलाग्राम, जिसमें 50 ग्रामों का समूह था, मेलाग्राम। और उसके अंदर नीचे देखें तो स्थानीय या सीमा, क्या रहेगा, स्थानीय या सीमा, स्थल या सीमा, स्थल या सीमा रहेगा। इस प्रकार से हम देखें तो इनका प्रशासन था जो 6 भागों में बंटा हुआ था, और क्या होता था, एक ग्रामीण सभा होती थी, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। इस प्रकार से हम देखेंगे इनका प्रांतीय प्रशासन था, इसको हम फिर से रिवीजन कर लेंगे, जो इनका प्रशासन है विजयनगर साम्राज्य का, उसके बारे में फिर से देख लेंगे, ताकि आपको यह अच्छी तरह से याद हो जाए। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, और प्रशासनिक व्यवस्था में हम सबसे पहले देखेंगे, प्रशासनिक व्यवस्था में जो राजा है, राजा, इसे राय कहा जाता था, क्या कहा जाता था, राय कहा जाता था। और दूसरा, संयुक्त शासन की यहाँ पर प्रणाली थी। और दूसरा हम देखेंगे जो शासन था वो राजतंत्रात्मक था, और राजा को क्या कहा जाता था, ईश्वर के समतुल्य माना जाता था। फिर हम देखेंगे जो युवराज होता था, युवराज का राज्याभिषेक होता था, उसे क्या कहा जाता था, युवराज पट्टाभिषेकम कहा जाता था। फिर देखेंगे प्रशासन, प्रशासन संचालन के बारे में बात करें तो राज्य परिषद होती थी, मंत्री परिषद या महापरिषद भी से कहा जाता है। मंत्री परिषद होती थी, इसका जो प्रमुख होता था उसे प्रधानी या महाप्रधानी कहा जाता था। यहाँ पर मंत्री परिषद की सभाएं होती थी, उस सभागार को क्या कहा जाता था, वो सभागार वैकंट विलास मंडल कहलाता था, क्या कहलाता था, वैकंट विलास मंडल कहलाता था। यह प्रशासन के संचालन की एक महत्वपूर्ण संस्था थी। उसके बाद हम बात करेंगे दंडनायक केंद्र का एक उच्चाधिकारी था, दंडनायक क्या था, केंद्र का एक उच्चाधिकारी था। उसके बाद आती है महानवमी, यह राज्य का एक प्रसिद्ध राज्यो उत्सव था। इसके समय क्या होता था, वैसे तो विशेष अवसर था यह, वैसे तो देखिए ब्राह्मणों के द्वारा मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन इस राज्योत्सव में महानवमी में क्या होता था, राजा समय पूजा अर्चना करता था। उसके बाद हम देखेंगे जोरी खाना क्या था, एक टकसाल विभाग था। उसके बाद हम प्रांतीय व्यवस्था है जो इसकी शासन की बात करें, इसे 6 भागों में बांटा गया। सबसे पहले हम देखेंगे प्रांत होता है, प्रांत के बाद प्रांत को राज्य कहा गया है, फिर है मंडल, मंडल है जो कोट्टम या वलनाडु में बटा हुआ है, जिसे जिला कहा गया, जिले को कोट्टम या वलनाडु कहा जाता था। उसके बाद है तहसील या परगना, इसे क्या कहा गया, नाडु कहा गया। इसी नाडु के अंतर्गत 50 ग्रामों का समूह होता था, जिसे मेला ग्राम कहा गया। इसके बाद देखें इस मेला ग्राम में कुछ गांवों का समूह और होता था, जिसे स्थल व सीमा कहा गया। उसके बाद हम देखेंगे प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, और थी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई और थी। इसके बाद है कुछ बिंदु और हैं इनके प्रशासन में, न्यायकार प्रणाली या व्यवस्था। अब न्यायकार व्यवस्था क्या थी, यह एक भूधारण पद्धति थी, क्या थी,
भूधारण पद्धति, भूधारण पद्धति एक महत्वपूर्ण व्यवस्था रहती है प्रशासन में। इसमें क्या होता है कि जो नायक है, कौन है नायक है, यह अपने पास एक सेना रखता है, इसे सेवा के बदले, सेवा के बदले या हम कहें वेतन के बदले, वेतन के बदले भूमि दी जाती थी, एक भूखंड दिया जाता था, भूखंड दिया जाता था जिसे क्या कहा जाता था, अमर नायककार कहा जाता था, अमर नायक भी कहा जाता था, अमर नायक भी कहा जाता था। अब यह क्या करता था, सल्तनत काल में जैसे हमने एकता व्यवस्था को पढ़ा, इसके पास सेना होती थी, जो सूबा होता था, प्रांत होता था, उसका यह प्रशासन संभालता था। और यहाँ से हम देखेंगे प्रांत से जो आय प्राप्त होती थी, प्रांत से जो आय प्राप्त हुई उसे केंद्र के राजकोष में जमा करवाता था, राजकोष में जमा कराता था, जिसे सल्तनत काल में फवाजिल कहा जाता था, भू राजस्व का जो अधिशेष होता था उसे फवाजिल कहा जाता था। उसे प्रांत की आय होती थी, स्वयं के खर्चे निकालकर, सेना का व्यय निकालकर जो बचता था आय का हिस्सा, वो केंद्र के राजकोष में जमा करवाता था, इसलिए इसे अमर नायक भी कहा जाता था। इसके बाद हम बात करेंगे आयगार की। आयगार क्या थी, यह भी एक प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसमें हम देखेंगे ग्रामीण प्रशासन की एक, प्रशासन की महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में होता क्या था, 12 शासकीय अधिकारियों का समूह होता था, क्या होता था 12 शासकीय अधिकारी हैं, जो अधिकारियों का क्या होता था समूह होता था, जो क्या देखता था प्रशासन को देखता था, आयगार। आयगार एक ग्रामीण प्रशासन की महत्वपूर्ण संस्था थी, इसमें 12 शासकीय अधिकारियों का एक समूह होता था जो प्रशासन को देखता था। आयगार और नायंकार जो है, इन व्यवस्थाओं के कारण क्या हुआ, आयगार और नायंकार व्यवस्था के कारण क्या हुआ, जो स्थानीय स्थानीय शासन है उसका क्या हो गया, पतन हो गया। तो उसमें हम देखेंगे नीचे एक सभा थी, सभा है और दूसरा क्या है उर है, उर और सभा, यह क्या थी ब्रह्मदेय, जो ब्रह्मदेय गांव होते थे, ग्राम होते थे, उनकी सभा होती थी, इनका शासन होता था। और क्या थी, यह एक सर्वसाधारण की संस्था थी, सर्वसाधारण की संस्था, प्रशासन की एक सबसे छोटी इकाई थी। अब ब्रह्मदेय गांव क्या होते थे, यह ब्राह्मणों को दी गई, ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि थी, क्या थी कर मुक्त भूमि थी। इसके बाद हम देखेंगे स्थानीय शासन का पतन हमने देखा, इसमें सभा और सर्वसाधारण की एक संस्था थी जिसमें कुछ लोग होते थे, प्रशासन को देखते थे। ग्रामीण प्रशासन की या सबसे छोटी विजयनगर साम्राज्य की प्रशासन इकाई देखें तो वो क्या रहती है, और रहती है आयगार को हमने देख लिया। इसके बाद हम देखेंगे महानायकाचार्य का एक पद आता है, महानायकाचार्य क्या था, महानायकाचार्य ग्रामीण सभा की, जो ग्रामीण संस्थाएं थी हम यहाँ पर देखेंगे, ग्रामीण संस्थाओं या सभाओं की कार्यवाहियों, जो कार्यवाही, जो उनके कार्य होते थे, कार्यवाहियों का निरीक्षण करने वाला अधिकारी, निरीक्षण करने वाला जो अधिकारी होता था, अधिकारी होता था वो क्या था, महानायकाचार्य था। किसकी बात की हमने यहाँ, महानायकाचार्य की। अब महानायकाचार्य क्या था, ग्रामीण संस्थाओं की, जो ग्राम की संस्थाएं होती थी, गांव की स्थानीय संस्थाएं होती थी, उनका जो कार्यवाही होती थी, उन कार्यवाहियों के निरीक्षण को करने वाला जो अधिकारी होता था महानायक, महानायकाचार्य कहलाता था। इसके बाद हम देखेंगे कंदाचार, यह क्या था, एक सैन्य विभाग था,
सैन्य विभाग को क्या कहा जाता था? कंदाचार कहा जाता था। उसके बाद एक शब्द हमें देखने को मिलता है विजयनगर प्रशासन में, शिष्ट। यह एक प्रकार का क्या था? एक प्रकार का भूमिकर था। क्या था? भूमिकर था, जो राज्यसभा का प्रमुख स्रोत रहता है, राज्यसभा का प्रमुख स्रोत रहता है। कंदाचार, कंदाचार सैन्य विभाग था। शिष्ट की बात करें तो यह एक प्रकार का भूकर था, जो राज्यसभा का प्रमुख स्रोत रहता है। कालीकट एक बंदरगाह था, यहाँ पर हम देखेंगे कालीकट। कालीकट जो है यह क्या था? एक बंदरगाह था, और यह बंदरगाह विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। क्या था? महत्वपूर्ण बंदरगाह था। इसके बाद हम बात करेंगे साहित्य की, साहित्य की, जिसमें हम देखेंगे कुछ ग्रंथ हैं, अमुक्त मालदम। यह किसकी रचना है? कृष्ण देवराय की है। किस भाषा में रचा गया? तेलुगु भाषा में। किसके द्वारा रचा गया? कृष्ण देवराय के द्वारा, कृष्ण देवराय के द्वारा। उसके बाद हम देखें एक ग्रंथ और है, जिसका नाम है जंबवती। क्या नाम है? जंबवती कल्याण। जंबवती कल्याण जो है, जंबवती कल्याण जो है, वो क्या है? संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का। किसके द्वारा रचा गया? कृष्ण देवराय के द्वारा। इसके बाद हम देखेंगे एक ग्रंथ है अल्लासानी। क्या है? अल्लासानी। इस ग्रंथ की रचना अल्लासानी, इस ग्रंथ की जो रचना है यह किसके द्वारा की गई? एक अष्ट दिग्गज का एक प्रमुख विद्वान था, अष्ट दिग्गज का प्रमुख विद्वान था, जिसका नाम क्या था? पेडान, जिसके द्वारा अल्लासानी जो ग्रंथ है इसकी रचना की। इसी के साथ ही विजयनगर का साम्राज्य है, इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं हमने देख ली हैं, पढ़ ली हैं, जो इसकी जानकारी है महत्वपूर्ण इसमें हमने देख ली। एक बार फिर से रिपीट कर लें इसको, विजयनगर साम्राज्य का जो हमने देखा है, आयकर व्यवस्था है, या उसके बाद हम देखेंगे न्यायकार व्यवस्था है। न्यायकार व्यवस्था क्या है? न्यायकार व्यवस्था में हम यहाँ पर देखेंगे एक भूधारण पद्धति थी। इसमें जो नायक होता था, नायक कौन था? सेना का प्रधान होता था। जो सेना का प्रधान था उसे नायक कहा जाता था। सेवा के बदले या वेतन के बदले इसे अमर भूखंड प्रदान किया जाता था, अमरम भूखंड, जिसे हम इसे, जिस कारण से अमर नायक भी कहेंगे। अमर भूखंड प्रदान करने के कारण से अमर नायक कहा गया। फिर हम देखेंगे सेना जो होती थी, सेना का व्यय कर जो यहाँ का नायक होता था वो केंद्र को राजकोष जमा करवाता था, और जो प्रांत है उसका, जो राज्य है उसके अधीन था, वहाँ का प्रशासन चलाता था। इसके बाद हम देखेंगे आयकर व्यवस्था। अब आयकर क्या था? महत्वपूर्ण रहता है आयकर, एक ग्रामीण प्रशासन की महत्वपूर्ण व्यवस्था है। आयकर ग्रामीण प्रशासन को देखने वाले अधिकारी था। इसमें 12 शासकीय अधिकारियों का समूह था। किनका? आयकर में 12 शासकीय अधिकारियों का समूह रहता है। अब आयकर व्यवस्था के कारण और न्यायकार व्यवस्था के कारण स्थानीय जो शासन व्यवस्था है उसका पतन होने लगा था। यहाँ पर दो संस्थाएं हमें देखने को मिलती है, उर्वै सभा। अब सभा कहाँ थी? ब्राह्मणों की संस्था थी। यहाँ पर जो ब्रह्मदेय गांव होते थे उनकी सभाएं होती थी। ब्रह्मदेय यानी ब्राह्मणों को दान में दी गई कर मुक्त भूमि थी, और उर जो है स्थानीय लोगों की संस्था थी, सर्वसरण की संस्था थी। इसके बाद हम देखेंगे महानायकाचार्य। महानायकाचार्य क्या था? ग्रामीण संस्थाओं की कार्यवाहियों की निरीक्षण करने वाला अधिकारी महानायकाचार्य कहलाता था। कंदाचार्य एक सैनिक विभाग था। फिर है शिष्ट क्या है? एक प्रकार का भूमिकर है। भूमिकर यानी कि राज्यसभा का प्रमुख स्रोत था। जिस प्रकार से हम देखेंगे एक विष्टिकर था, मौर्य काल में देखने को मिलता है,
और जो बेगार प्रथा के रूप में प्रसिद्ध था। अब कालीकट बंदरगाह है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पुर्तगाली जब आए थे, राजा जेमारिन की कहानी है, वो बाद की बातें हैं। या वो यूरोप का इतिहास पुर्तगालियों का या यूरोपियों का भारत में आगमन है तब पढ़ा जाएगा। तो यह प्रमुख बंदरगाह था कालीकट, किसका? विजयनगर साम्राज्य का। इसके बाद जो साहित्य है, साहित्य की बात करें तो अमुक्त मालदम ग्रंथ है और जाम्बवती कल्याण है। ये दोनों ग्रंथ लिखे गए किसके द्वारा? लिखे गए कृष्ण देव राय के द्वारा लिखे गए। तो जाम्बवती कल्याण है, यह संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। अमुक्त मालदम जो ग्रंथ है, यह तेलुगु भाषा का है, जो कृष्ण देव राय के समय तेलुगु भाषा का स्वर्ण काल रहता है। उसके बाद हम देखें तो अल्लासानी ग्रंथ है, यह किसके द्वारा रचा गया? यह अष्ट दिग्गज का एक प्रदान है। कृष्ण देव राय के समय एक अष्ट दिग्गज थी जिसमें आठ विद्वान थे, आठ विद्वानों का एक प्रमुख था पेडा, जिसके द्वारा अल्लासानी ग्रंथ की रचना की गई। यह विजयनगर साम्राज्य की महत्वपूर्ण जानकारी हमने प्राप्त कर ली है। इसके बाद हम विजयनगर साम्राज्य की जो महत्वपूर्ण है यहाँ से प्रश्न पड़ता है, स्थापत्य कला को भी देखेंगे। तो इसी के साथ ही हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। तो भटनेर IAS यूट्यूब चैनल देखने वाले जितने भी मित्र हैं, विद्यार्थी हैं, उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।